की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के अवसर पर किसान भाइयों के सम्मान में आयोजित इस भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश के लोग कि गरीब हमारे सबसे पहले एजेंडे में है, फिर किसान हमारे एजेंडे में है, महिलाएं हमारे एजेंडे में है, नौजवान हमारे एजेंडे में है। और तब से लेकर आज तक हम कह सकते हैं कि किसान भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लगातार परिवर्तन लाने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है 2017 में जब हम सबकी सरकार बनी तो किसान भाइयों का जो ऋण था 36,000 करोड़ रुपए का, वो पहली कैबिनेट के पहले दिन के एजेंडे में उसे माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। तब से लेकर आज तक ढेर सारे परिवर्तन किसान भाइयों के हित में हो चुके हैं, चाहे MSP का मामला हो, चाहे गन्ना खरीद का मामला हो, गन्ना के दामों में बढ़ोतरी का मामला हो, गन्ना के मूल्य को लगातार भुगतान किए जाने का मामला हो, चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का मामला हो, नई चीनी मिलें प्रारंभ करने का मामला हो, और किसान सम्मान निधि तो अद्भुत निर्णय था प्रधानमंत्री जी का। कौन सोच सकता था किसानों को पेंशन मिलेगी, कभी बुआई करनी हो 500 रुपए का बीज लेना हो, खाद लेनी हो, सिंचाई के लिए लेना हो, निकाई करना, गुड़ाई करना हो, साहूकार के जंजाल में फंस करके हमारा किसान भाई लगातार ब्याज देता रहता था, लेकिन साहूकार का ऋण अदा नहीं कर पाता था। अब अगर पूछे सीधे खाते में 2,000 रुपया 3 बार आपके खाते में पहुंच रहा किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। मैं आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने केवल हमारे पुरुष किसान भाइयों की चिंता नहीं की, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अब तो ड्रोन दीदी की चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। हमारी ड्रोन दीदी घर से निकल करके जबकि किसान के खेत में पहुंच करके उनके कीटनाशक का छिड़काव करना हो या अन्य कोई दवाई डालना हो, खाद डालना हो, हमारी ड्रोन दीदी परफेक्ट रूप से किसान के खेत में पहुंच करके अपनी आमदनी भी बढ़ा रही है और महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास ला करके उनको मुख्य धारा में लाने का भी काम कर रही है। मैं प्रदेश की देश की महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं अन्नदाता किसान जब मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। ऐसे अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देकर के देश के किसानों के सम्मान करने का काम किया है, उनके सम्मान को दुनिया के पैमाने पर बढ़ाने का काम किया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये कोई छोटा मामला नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग ट्यूबवेल चलाने के लिए जाते थे, सिंचाई के लिए जाते थे, छोटे छोटे थे, एक तरफ स्टार्टर पर हाथ रहता था, एक तरफ राह नाली ठीक करते थे, तब तक बिजली चली जाती थी, कट कितना होता था। किसी प्रदेश में 17 से पहले 1 हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, याद है ना। तार को लठ लेकर के हम लोग बैठते थे खटिया पर कि बिजली आएगी तो सिंचाई करेंगे, नहीं तो डीजल के लिए ठोकरे खाते थे, लोन लेते थे। लेकिन आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सामने, देश के सामने, कि हमने सभी जिलों को, मुख्यालय को 75 जिलों को 24 घंटा और किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। बिजली का ट्रांसफार्मर फूक गया तो किसान भाई अपना ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी लेकर के इंजीनियर साहब के रास्ते घूमते थे चौराहे पर, याद है ना, याद है कि नहीं, बोलो ना। और आज पता चलता है तो हमारे अधिकारी ट्रैक्टर ट्राली अपना लेकर के ट्रांसफार्मर बदलने का काम करते हैं, टाइम समय में, तय समय सीमा में बदलने का काम करते हैं। और यही कारण है मैं कह सकता हूँ कि किसान भाइयों, ये आपकी सरकार है, गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है, आपकी सरकार हमेशा आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज आपको यहां से प्रण लेकर के जाना चाहिए कि जिस नेता में दुनिया के पैमाने पर किसानों की चर्चा हो रही है, महिलाओं की चर्चा हो रही है, नौजवानों की चर्चा, महिलाओं की चर्चा हो रही है, तो हमारी आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मोदी जी के लिए हमें काम करना है। आने वाले दिनों में हम लोग अपने घरों से निकल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम सब जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में एक तरफा मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक समय लेते हुए
अपने किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूं, भरोसा दिलाता हूं, किसान भाइयों सरकार आपके लिए काम कर रही है और राम निकला तभी भी कोई बात होगी, हमारे दरवाजे आपके लिए, पूरी सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बोलो भारत।